सो वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब? सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक। सो अभी एक डाउट था कि आपका SC.next और SC.next लाइन में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। ये एक मेजर प्रॉब्लम है जो बच्चों को आती है और बहुत सिंपल सा है और 2 मार्क्स से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके थ्योरी में। तो इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं कि क्या होता है। देखिए, जब भी कभी हम लोग बात करेंगे स्ट्रिंग्स की, तो स्ट्रिंग्स जो होती हैं वो 2 तरीके की हम लोग मान सकते हैं। एक तो होता है वर्ड और एक होता है सेंटेंसेस, आप कह सकते हो, या फिर क्या कह सकते हो, पैराग्राफ्स कह सकते हो। तो कोई भी वर्ड कह सकते हो। स्ट्रिंग क्या होती है? कैरेक्टर्स का कलेक्शन। उसी तरीके से सेंटेंस क्या होता है? स्ट्रिंग क्या होती है? कैरेक्टर्स का सेलेक्ट कलेक्शन। तो सेंटेंसेस को हम कह सकते हैं वर्ड्स का कलेक्शन। तो जब हम लोग बात करते हैं SC.next, अगर हमको कहीं पे लिखा मिलता है, इसका मतलब सिंपल सा ये होता है कि आपको इसके अंदर आप सिंगल वर्ड की एंट्री करा सकते हो। आप क्या करा सकते हो? सिंगल वर्ड की एंट्री करा सकते हो विदाउट विदाउट सॉरी विदाउट एनी डेलीमीटर्स। बिना किसी डेलीमीटर्स के आप यहाँ पे सिंगल वर्ड की एंट्री करा सकते हो। डेलीमीटर्स में क्या आता है? डॉट आ जाता है, स्पेस आ जाता है, कॉमा आ जाता है, एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाता है। जितने भी चीज़ें जो 2 वर्ड या फिर उससे ज़्यादा को सेपरेट करते हैं, तो वो क्या हमारे कहलाते हैं? डेलीमीटर्स कहलाते हैं। SC.next का भी आपको क्लियर हो गया होगा क्या काम होता है। SC.next इज यूज फॉर सिंगल वर्ड एंट्री। सिंगल वर्ड की अगर आपको कभी भी स्ट्रिंग के अंदर एंट्री करानी है, तो यू कैन यूज़ SC.next। और SC.next लाइन, जैसा नाम बता रहा है लाइन, तो बेसिक से काम होता है वर्ड्स विथ डेलीमीटर्स को अगर आपको स्टोर कराना है, दैट मीन्स सेंटेंस, पैराग्राफ, इस सब को अगर आपको स्टोर कराना है, तो वो क्या हो जाएगा आपका? SC.next लाइन के अंदर जाएगा। फॉर एग्जांपल एक बात करें, अगर लिखा हुआ है लाइक एक एक सेंटेंस है विंडो, फाइन, एक वर्ड है विंडो, तो विंडो को हम कहाँ पे करा सकते हैं स्टोर? SC.next के थ्रू हम स्टोर करा सकते हैं। लेकिन यहीं पे लिखा होता नेक्स्ट के थ्रू, सॉरी, SC.next के थ्रू हम इसको स्टोर करा सकते हैं, फाइन। अगर यहीं पे लिखा होता विंडो एंड डोर, ठीक है, तो यहाँ पे कितने से वर्ड्स हैं? 3 वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग SC.next लिखेंगे, तो वो क्या स्टोर करेगा? केवल और केवल विंडो को स्टोर करेगा। मतलब जहाँ पे डेलीमीटर आ गए, ये क्या आ गए? स्पेस क्या है? डेलीमीटर आ गए। तो अब इसके आगे नहीं स्टोर करेगा, केवल विंडो स्टोर करेगा। वहीं पे SC.next लाइन की अगर हम लोग बात करें, तो वो इन दोनों को स्टोर करा सकता है, वो इन दोनों को स्टोर करा सकता है। सो होप सो ये आपके डाउट क्लियर हो गया होगा। बाकी कोई भी दिक्कत होती है तो आप नीचे कमेंट करके बताइए, और मैं जल्दी बाकी सारी वीडियोज़ भी आगे आपके लिए